हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। हम लोग का बहुत तबीयत ख़राब था इसलिए इतना दिन ब्लॉग नहीं कर पाए। इधर गुरु, सो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। है ना? ऐसा मुंह बना रहा है लगता है कुछ जानता है ही नहीं। अच्छा, वो खेलना घुसाने जा रहा है, सो उसको जाने दो। एंड चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। सो इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे थे, क्या हुआ था, सब कुछ बताएंगे। सो पहले चलो इसका पहले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी बहुत लेट हो गए, बाहर धूप नहीं है, दिख ही रहा है, लाइट पर जला के ब्लॉग करना पड़ रहा है। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो इट्स ऑलरेडी 2:30, मतलब 2:30 हुआ नहीं है, अब 10 मिनट बाकी है। मेरे स्टूडेंट लोग तो हर रोज, दीदी आप ब्लॉग नहीं पोस्ट करो, दीदी आपका ब्लॉग का इंतजार करें, दीदी ब्लॉग नहीं कर रहे हो। अरे नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो, बाद में ब्लॉग देखा जाएगा। तो वो लोग ऐसे ही बोलते रहते। तो आज बचपन का कुछ फोटोज़ एंड ऑल आप लोगों से शेयर करेंगे। एंड भाभी लंच लेके आ गई है, मेरा नहीं, यंच का। सो मेरे स्टूडेंट लोग हमेशा, दीदी ब्लॉग किया करो, डेली व्यूज लोग आपके लिए बैठे रहते हैं, ब्लॉग क्यों नहीं करते हो। ठीक है लो, दीदी इज़ ब्लॉगिंग अगेन। एक्चुअली बहुत तबीयत ख़राब था, ब्लॉग टाइम का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। एंड मैं सुबह ही बोलो को पढ़ा के आ जाती हूँ, मेरा सुबह 12 बजे। सो या उस घर पर यंच है एंड अभी वो लंच करेगा। कुछ देर बाद आप लोग को हमारे बचपन का मेमोरी शेयर करेंगे एंड देखते हैं आज क्या क्या किया जाता है। ऐसे ही बाहर बहुत क्लम्सी वेदर है, धूप भी नहीं है, सो ऐसे ही चल रहा है आज का दिन। घर के बाद तो मैं ब्लॉग नहीं की, नहीं कर पाई, नहीं की, कुछ भी एक होगा, मैं सो गई थी। बिकॉज इतना ठंडा वेदर है यहाँ पे, सो मैं ब्लॉग करने का मूड नहीं था। एंड ऐसे भी बहुत दिन का गैप हो गया, तो थोड़ा माइंड इधर उधर फिकल होता ही रहता है। एंड नेक्स्ट मंथ इसी टाइम पे कहाँ होंगे वो तो आप लोग ब्लॉग में ही देखेंगे। तो ब्लॉग मिस मत करना, ब्लॉग फॉलो करते रहना। हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहाँ, कब, किस किस के साथ, सब बताएंगे आप लोग को। एंड अभी बैठे हुए हैं, भाभी शायद कुछ बना रही है, दिखते हैं क्या बना रही है। एंड मम्मी पापा गए हुए हैं दिनेश काका के घर पे और महेश काका के घर पे। तो आज मकर संक्रांति है, तो दही चूड़ा जो रिचुअल होता है वो खाने गए हैं एंड बुलाया था। एंड फिर बंगाली लोगों का होता है पौष संक्रांति, उसमें भी पीठे पूली ये सब बनते रहता है। सो मिक्स्ड ट्रेडिशन, कल भाभी की मम्मी लेके आएगी एंड आज पापा मम्मी गए हैं वहाँ पे। तो सभी ट्रेडिशन में घुल मिल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है ये सब। एंड यहाँ पे यंच क्या कर रहा है देखो, एंड हम लोग ने ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है। यंच देखो देखो देखो, ओए पढ़ रहा था बेचारा, बेचारा नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है, व्हाट बेचारा, 1-1.5 घंटा पढ़ा है ना, अभी बैठ के फ़ोन देख रहा है। एंड ये रहा यंच का स्पाइडी, ये रात को मेरे पास सोता है ना, मैं डर जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इसका ये आँख। अभी गुस्सा हो जाएगा, ज़्यादा परेशान करेगा तो। श्रुति कहते हैं भाभी क्या बना रही है। अरे यार ऐसे ही कुछ जा रहा है आज का दिन। मम्मी भी चली गई है, सोचा था फोटो शेयर करेंगे, देखते हैं मम्मी आ जाए उसके बाद ही आप लोगों के साथ फोटोज थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे और उसके बाद और जो रिमेनिंग रह जाएगा दूसरा ब्लॉग में शेयर करेंगे। या फिर भाभी के साथ ही फोटो शेयर करते हैं, मम्मी होती तो मम्मी मेमोरीज भी शेयर करती आप लोगों के साथ। मम्मी चली गई, तो देखते हैं क्या किया जाता है। सैंडविच, चीज़ सैंडविच होगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ आलू पोटैटो चीज़ वीज देके हैं, एग भी है क्या नहीं मालूम, देखता खोल के एक सेकेंड। सैंडविच का हुलिया भी कर दी, इसकी ये रहा अंडा है, ये रहा सैंडविच, सैंडविच मेरा बहुत फेवरेट है। ये रहा यंश का, यम्मी यंश खा ले, तुम्हारा वाला खा ले, यंश खा ले तुम्हारा वाला, नहीं गर्म है, रुको रुको मम्मी खाने दो। सो ये है हम लोग का इवनिंग स्नैक्स, नॉर्मली करते नहीं है बट भाभी ने बनाया। सो या सो भाभी अभी किचन में थोड़ा बिजी थी रात के डिनर के लिए एंड अभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ यंश का बचपन का फोटोज, मतलब यंश का चाइल्डहुड मेमोरीज फोटोज ये सब शेयर करेंगे। मेरा वाला शेयर करेंगे कल परसों, मम्मी आ जाए, मतलब आज ही चली आएगी, बट जिस दिन मम्मी रहेगी ना उसी दिन आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि मम्मी को पता होगा कि बचपन में क्या करती थी क्या नहीं करती थी, कब का फोटो है। वैसे ही इसलिए मैंने सोचा कि आज यंश का शेयर करते हैं। यंश का बहुत दिन का एल्बम नहीं निकाला हुआ है, मेरा पहले वाला लैपटॉप में था सब कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है घर से। सो बाबू का ही है, यंश का ही, यंश का दिखाते हैं। एंड मेरा इतना डैंड्रफ हो गया है ना, आई थिंक इट इज़ विजिबल ऑन द कैमरा, इफ़ नॉट सो डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाना है पार्लर में। मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि मैं आऊँगी डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाने, बट यहाँ पे शायद लॉकडाउन चल रहा है, शायद नहीं होगा,
पार्लर्स, जिम्स ये सब बंद है सब जगह ही, मुश्किल है भी उस कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। सो देखते हैं, घूमने जाने के पहले आई विल गेट माय हेयर ट्रीटमेंट फिर से वापस। अभी ठीक ही है, हेल्दी है, अभी हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो फिर भी मैं लूँगी ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ फिर मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं इसी वीक में चले जाएंगे। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, पता नहीं क्यों इतना विंटर्स में डैंड्रफ होता है। सो या मतलब हेयर इज माय जान एंड गोलू नीचे है, दिखाते हैं बैक कैमरा ऑन करके। ये देखो गोलू, ए गोलू गोलू घूमो घूमो यहाँ घूमो, ए घूम यहाँ पे, ओ ये देखो गोलू। गॉड से देखो इस बंदर को, बहू की खच्चो की खच्चो हैं की खच्चो बोलो दुष्ट दुष्ट बंदर। देखो देखो फोन नहीं छोड़ेगा, एक सेकंड के लिए फोन चाहिए। अजवाइन खा लाओ, खाओ अजवाइन, क्या होता अजवाइन, अजवाइन नहीं बोलते अजवाइन बोलते हैं, अजवाइन बोलो। अच्छा रोटी बोल दो सबको, बस सब लोग रात को रोटी खा ला, बोलो बोलो खाना। ठीक से नहीं सुनाई दिया, नहीं बोलो रात को सब लोग अच्छे से रोटी खाना, बोलो ही ना हो बोलना, ओए बोलो सब लोग रात को अच्छे से रोटी खाना। वो लोटी बोलता है ना इसलिए वो रोटी नहीं बोलेगा अभी। सो भाभी अभी निकाल रही है यहाँ से, दिखाते हैं आप लोगों को फिर, बोल रोटी बोल रोटी एक तो। सो ये रहा यंश का बर्थडे एल्बम, बेसिकली इधर मुझे आरो छवि আছে জন্মদিন ছাড়া, শুধু জন্মদিনেরই আছে। যা ঠিক আছে এটাই না হয় দেখাবো সবাইকে, ওইটা আছে ওখানে, হ্যাঁ ওটা দেখাচ্ছি পরে, ওটা দেখেছে ক্লোজ আপ ভিউ মনে হয় না দিয়েছি, শুধু বার্থডে আছে। হ্যাঁ এটা তো আমার দাদা বানিয়েছিল, দেখাতে আপ লোক তেল খোলো তো। यंश फर्स्ट बर्थडे सेरेमनी, फर्स्ट बर्थडे एक साथ होगा कब, देखो इसको देखो इसको देखो, ऐ पाँव मत दो। सो हमारा फैमिली फोटो है यहाँ पे, दिखा देते हैं आप लोगों को, एक सेकंड रुको। सो ये भाभी, ये भैया, पापा, ये गधा बच्चा जो इतना बड़ा हो गया है, यंश रुको, ये मम्मी और ये आप लोग जानते ही है, ये मैं एंड ये रहा तीनों। फोटो देखो, ये देखने ही नहीं देगा, ये ऐसे ही करेगा, तुम्हें हाथ के ना हो तो रुको, लेते हैं पहले इससे। अच्छा बुआ बुआ, अच्छा बुआ जिज्ञेस करबे तो তখন বুয়া তো বলবে, সোড়া বাবু আসো আসো চাপ দেন এখানে আয়। अरे बाबू दे ना, सब वेट कर रहे हैं, मारेगा सब हमको। बुआ दादी हम बाबू दादू डैडी गधा 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 बाबू गधा गधा टीप लगातीस यंश का बर्थडे एल्बम फाइनली हाथ में आया है मेरे एंड ये डेकोरेशन। सो ये रहा डेकोरेशन, यंश का बर्थडे फर्स्ट बर्थडे का डेकोरेशन, ये डोरे मारने को नहीं मालूम। एंड ये देखो पीछे में ना मैं देखो हाथ दीजिए सुनो देख भी हाथ दे भी रुको रुको ये देखो हैप्पी बर्थडे यंश। और ये यंश के एकदम ऑपरेशन थिएटर से निकल के है, ये किसी ने फोटो क्लिक किया था। सो ये इसमें एल्बम में दे दिया था, यंश बचपन में ऐसे दिखता था, पूरा पकौड़ा सिंह नाक देखो, पकौड़ा सिंह ये देखो इसका नाक देखो खुदरा था। एंड ये रहा
ये जो होता है बच्चे लोगों के बर्थडे में, सादा सादा कालो कालो सादा सादा तब का फोटोज है। एटा एटा कत बदमाश छिलो, एटा कोई बिजनेस छिलो। अच्छा कुछ एक दिन का था। हाँ एटा 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 एक मास होए गए छिलो, एक मास होए गए छिलो। ये सब बहुत क्यूट था बचपन में, जो कि अभी है नहीं वो अलग बात। एंड देखो पोदू बाबा, पोदू बाबा एटा तो एटा बड़ो छिलो ना, एक डेढ़ मास होए गए छिलो। सो ये उस घर पे है, मम्मी ने तेल तेल मालिश करी शुए चिलो। अम्मा ये तो कौन बच्चा? ये तो एक गोड़ू बच्चा। तू ही रे। तू ही है। सो ये रहा। मम्मी ने तेल में लगा के इसको उठा के रखा था। एंड ये और एक देखो आप लोग देखते जाओ। एंड ये है उसके नानी के घर पे, नानी के घर पे गया था कुछ दिन के लिए घूमने, तब वो मम्मी ने उसके तेल वेल लगा के रखा था और इधर बैठे तो। ये देखो कितना बड़ा बड़ा आंख करके देखते। अरे देखते दे गोरू, देखछो की करछ? तू फोन दे ना, तू देखो ना ना मारने वाले। ये इसको निला रहे थे। और ये देखो गधा बच्चा कितना क्यूट था बचपन में, चुपा वाले। और उसके डैडी के साथ था, ठाकुर देखने गए थे। बड़ा बड़ा आंख करके देखो। एंड ये कालीघाट में पहला मुंडन होने को था, 6 मंथ्स में पहला मुंडन। देखो मुंह देखो, बाप बेटे दोनों का सेम सेम। एंड ये उसकी मम्मी के साथ इतना रोया, इतना रोया, कालीघाट पूरा हिला दिया ये। कितना रोया, फोन फोन दे रहा, ये दे रहे, वो दे रहे, पूरा कालीघाट हिला दिया। मुंडन नहीं करवाएगा देखो। एंड ये रहा, ये तो मैं घर में पहनती हूँ। सो ये है निशा चाची की बेटी। एंड ये देखो यंश का फेस देख रहे हो, कितना दुष्टू था, दुष्टू पूरा कालीघाट हिला के रख देता। एंड ये देखो मुंडन करके आके लेटा हुआ था, दांत फोकला नेरू नेरू था। ये देखो एग्जैक्टली याद नहीं है कितना मंथ, वो 6 मंथ्स के बाद का ही है तब फर्स्ट मुंडन हुआ था। गोलू मोलू हुआ था ना, अभी कितना पतला दुबला बच्चा। ये देखो यही है, ये शैतान बच्चा। ये रहा बड़े लाइट, फिर ये रहा, ये बर्थडे का है क्रीम लगा कौन था? हाँ तो क्रीम लगा नीचे नीचे, अभी भी आदत नहीं है, अभी भी रात को खुद ही क्रीम लगाता है ये। ये देखो घोड़ा तो घोड़ा, ये भैया के साथ, ये मेले साथ और डोरेमोन के साथ। अजीब फोटो घुसा दिया जिसने भी ये घुसा है। देखो मम्मी कहाँ देख रही है, फोटो घुसा दिया, सिर्फ हम मैं ही ठीक से देख रही हूँ। नहीं तो यानी बापा दादा दादू इसके दादू एंड बाबू ये रहा। देखो अरे ये मैंने ऐसे ही पोज दिया था, वो गधे ने छोड़ो उसने ऐसे करके रख दिया, ये सिंगल घुसा दिया। इसलिए मैं ही फोटोग्राफर हूँ। इसको देखो फोटो, ये फोटो ये उठाएगा ही नहीं, फोटो क्लिक ही नहीं करवाएगा, ऐसा है मालूम है। ये देखो मुंह देखो, फोटो तोला पे ना बोल चलो ना। एंड ये रहा हम सब भाई बहन, हम लोगों का सबका फोटो है। देखो ये गधा फोटो उठाता ही नहीं है, ऐसा है। एंड ये है मेरे बड़े मामा, ये छोटी अम्मा है और ये देखे दादा ना, राकेश राजेश। अच्छा ये दोनों भैया ही है, दिल्ली में रहते हैं ये दोनों भैया। इनका इनका मालूम है राजेश भैया, ये इटे राकेश ना, राकेश भैया। एंड ये मेरे सर, ये रहे मेरे अकाउंट्स टीचर। मैं पढ़ती ही नहीं थी, सिर्फ मैं वो डिले कर देती थी कि नहीं आना पड़ेगा। एंड ये है दादी, वो शोरीशा वाली दादी। एंड ये है वो शिवका की वाइफ, उनकी बेटी, ये सब है, ये सर के बेटे हैं। एंड ये मामा मामी सब ये लोग हैं यहाँ पे। एंड ये मेरी बुआ की बेटी है, ये दीदी की बेटी है। और हाँ ये डोरेमोन, डोरेमोन ये सब फैमिली पिक्चर्स ही है।
ये देखो देखो ऑरेंज कलर এটা কি যাই না কে এসেছিল একজন মামি চিনতে পারছি না এন্ড ইয়ে হ্যাঁ ই ভাবি কি মাম্মি হ্যাঁ ইয়ে ভাবি কি ভাই কি ওয়াইফ হ্যাঁ ইয়ে দিয়া দিয়া আরে বাবারে দিয়া কি রোগ রোগা তো চিরকালই ছিল চুলটা কিন্তু শর্ট ছিল গুড্ডু ये जो आप लोग इको पार्क का ब्लॉग अगर आप फॉलो करेंगे लास्ट ईयर का गुड्डू है इसमें प्रियांश एंड ये है अनिता दीदी की बेटी ये बेचारी जल गई थी इसका पेट वेट पूरा जल गया था एंड ये सब पड़ोसी लोग हैं छोड़ो ये लोग नहीं दिखाते एंड ये काकी है इनकी बहू ए देखो खाचे एंड ये तो बाबू है आपको पता ही है एंड ये रहा हम लोगों का बहने लोगों का फोटोज ये दादी है एंड ये भैया के फ्रेंड है ये भी सेम सो ये देखो ये इनके हस्बैंड है काका बाबू हटा 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 एंड ये देखो देखो सिलेंडर मैन वाह ये निशा है इससे पहले बहुत घूमना फिरना होता था अभी होता नहीं है दो सो ये है सोनू आप लोगों ने देखा होगा शायद सोनू के ब्लॉग देखे नहीं बोला है सो उनके पापा है ये मेरे काका ही लगते हैं एंड ये देखो पोजर्स बाप बेटा एंड ये है मेरा बड़े मामा का बेटा अभी सब बड़े हो गए हैं सो ये है मेरी बुआ जिनके बारे में बता रही थी वो उनकी बेटी ये है मेरी बुआ एंड ये है मेरी मासी ये मासी की जेठानी है मतलब बड़ी जो होती है वो बड़े भाई की जेठानी आप लोगों को मालूम ही होगा जेठानी एल्बम देखते देखते वहां पे पानी भर गया है गिर भी गए बाबा भाभी का काम बढ़ गया दिख रहा आप लोगों एंड बुआ मम्मी ये वो सही देखो मेरे पहले का फिगर एंड अभी का तो छोड़ ही दो हटाओ नहीं अजीब अजीब फोटो डाले पापा एक बोल रहे मम्मी एक तरह देख रही है यहाँ पे भी भाभी का मुंह अजीब लग रहा है अजीब है यार एंड ये देखो ये चाचा चाचा के दोनों बेटे यहाँ पे भी सब एंड इनका नहीं मालूम ये कौन है एंड ये भैया का दोस्त ये सभी जस्ट ओवर भी दिखा दे रहा एक बार ये पूरा फैमिली पिक्चर हम लोग का बहुत बड़ा फैमिली है सो दिखाते दिखाते मतलब वीडियो ख़त्म नहीं होगा एनीवेज एंड ये देखो ये सर की बेटी है एंड ये वाइफ है उन वो लड़का कौन था नहीं मालूम ओटा सर है दुई छेले में ना हाँ हाँ दोनों ही बेटा बेटी भूल गई मैं एंड ये देखो क्यूट मैं हाँ ये उनका बेटा है ये उनकी बेटी है देखो दूटो दूटो ऐसे दे दिलो ये रहे ये जीजा जी एंड ये देखो दो दांत वाला चूहा ये देखो ये बाबा देखो नंगू नंगू फोटो क्लिक कर रहे नंगू नंगू सुमी तो ये देखो ये मेरा बाल टान रहा था बचपन से ही मेरा फोटो बिगाड़ता है ये हाँ ये रही दीदी इनकी बेटी है ये देखो इस सोनू के साथ मेरा फोटो और यहाँ पे मैं डांस कर रही थी ये क्लिक करके ये भी घुसा दिया मैं कितनी मतलब मेरा फिगर अभी से बहुत ज़्यादा ही ये था पतला दुबला खैर जो गया सो गया सब यहाँ पे डांस कर रहे थे वो सब बैठे थे ये काकी काकी की बेटी सब लोग हैं एंड ये बुआ है मेरी बाटा में रहती है बाकी सब बुआ मेरी दिल्ली में रहती है देखो खाने पीने का सबका फोटो क्लिक कर लिया ये लोग ये मेरी मजली भाभी है एंड ये पार भैया की दोस्त की वाइफ सब खाने पीने का फोटो इन लोग इनके घर पे ही गए हुए हैं आज ये दिनेश काका की वाइफ है एंड ये महेश काका की बेटी है सो इनके घर में मकर संक्रांति के लिए गए भाई ये देखो महेश काका की वाइफ इनके घर पे गए एंड ये है मेरी भाभी के भाई
एंड ये पापा के बैंक के स्टाफ है, इनका मैं ठीक से बता नहीं सकती कौन है, पर ये पापा के बैंक के स्टाफ है बड़ुआ अंकल, बहुत ही अच्छे हैं। इनकी एक बेटी डॉक्टर है एंड एक बेटी शायद सीए कर रही है, एंड ये है नाना जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे गाँव में रहते हैं नाना जी। एंड ये सब लोग खाने पीने का फोटो है, एंड ये देखो ये भी उठा लिया है, ऐसा भी लेट हो गया था खाते खाते, ऊपर से ये थोड़ा वो थोड़ा खा रहे थे, ये क्लिक कर लिया। सो या यहाँ पे एल्बम एंड होता है। वन मोर थिंग मैं बताऊँ, मैं इस टाइम में बाबू के, यही मेरा लास्ट था जहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी और मैंने बहुत वेट लूज़ किया था। इस दिन के बाद से अभी तक मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। सो यही लास्ट दिन था, आप लोग देख लो 2019 को ही लास्ट में एक प्रॉपर डाइट फॉलो करती थी एंड मेरा फिगर आप लोग ने देखा कुछ वैसा था, कुछ ऐसा था, बहुत मैंने वेट लूज़ किया था, बट फिलहाल अभी नहीं है, क्या किया जा सकता है। और लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करें बिकॉज ऑलरेडी 20 मिनट्स क्रॉस हो गया है। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, आई लव यू ऑल, बाय।